एसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैं कह रखा है हमारे पास एक एसी सर्किट था, मतलब उसमें रेजिस्टर था, इंडक्टर था और 12 वोल्ट एसी वोल्टेज से हमने उसे कनेक्ट कर दिया तो करंट आया 0.3 एम्पीयर। ठीक है, अब अगर दूसरे केस में इधर देखो, अब हमने सिर्फ डीसी लगाया, डीसी सोर्स लगाया 12 वोल्ट का। ठीक है, अब भले ही यहाँ पर इंडक्टर लगाओ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस का। तो ये बात याद रखनी है कि डीसी में किसका इफेक्ट होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो पहले वाले में जब एसी था तो करंट कितना है 0.3 एम्पीयर और जब डीसी था तो करंट कितना है 0.4 एम्पीयर। तो वो पूछ रहे हैं पावर फैक्टर की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड। तो मुझे आर चाहिए और जेड चाहिए, तो जेड निकालते हैं पहले जब हमारे पास करंट आया, इस केस में जब सब कुछ एसी के थ्रू हो रहा है, एसी वोल्टेज के थ्रू। तो एसी वोल्टेज में जब तुम रेजिस्टेंस निकालते हो, रेजिस्टेंस नहीं इंपीडेंस आता है जेड, और जेड का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो 12/0.3 का करंट आ गया, तो कितना आ गया 40 ओम। सही है, अब इस वाले सर्किट पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्योंकि डीसी वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस निकलेगा, वोल्टेज अपॉन करंट आ गया 30 वोल्ट। तो ये समझ आ गया, तो कॉस फाई कितना आ गया 30/40, दैट इज़ 3/4। समझ आ गया, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर पे ये क्वेश्चन है, देखो कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट रहती हैं, जो कि चार्ज स्टोर करने के काम आती है। और जो पूरा चार्ज स्टोर होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, जहाँ पे सी होता है कैपेसिटेंस और इसकी ऐसे यूनिट होती है फेरेड। ठीक है, अब अगर इसकी प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई भी मटेरियल लगा दें, ग्लास लगा दें, माइका लगा दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर लगा दें, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स, और के क्या होता है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वो वैल्यू है जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमने कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी, जिसका फॉर्मूला कितना होता है 1/C ओमेगा, जहाँ पे सी होता है कैपेसिटेंस और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब डायलैक्ट्रिक लगाने पे हमारा सी तो बढ़ गया, अब सी नहीं रहा, सी क्या बन गया, केसी। देखो यहाँ पे केसी, तो जो एक्सी था वो एक्सी डैश हो चुका है, क्योंकि उसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ के आ चुका है। ठीक है, और करंट कैसे निकालते थे एसी सर्किट में, जब उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, वी अपॉन एक्सी, और नया करंट कैसे आएगा, वी अपॉन एक्सी डैश। अब क्योंकि एक्सी डैश छोटा है, देखो यहाँ पे छोटा हो गया ना, एक्सी डैश छोटा है, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, क्योंकि यहाँ के लग गया तो एक्सी डैश छोटा हो गया, एक्सी डैश क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये छोटा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर लगाने पर उसका एक्सी घट जाता है, एक्सी घट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो नया करंट आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा पुराने वाले करंट से। यहाँ तक समझ आ गया, ओके, थैंक यू।